हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है, ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, पहले ये चेक कीजिए। ठीक है ना, अगर ये एपी है ना, पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, उसके बाद ये जो डॉट डॉट लिखा हो ना, इसके आगे का तीन टर्म लिखना है। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 8, 16 के बाद क्या आएगा तीन टर्म, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, फिर कॉमा 5/2, 3, 7/2, उसके बाद 3 टर्म आगे क्या होगा। ठीक है ना, अगर ये एपी होगा तब, ठीक है ना, तो चेक करना है एपी को, अगर एपी होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एपी कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना, बताता हूं। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 अगर इक्वल आ जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो आपका एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो एपी नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो मतलब एपी होगा और हमको कॉमन डिफरेंस मिल भी जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमको बस बताना रहेगा कि आगे का तीन टर्म क्या है। ठीक है ना, अगर कॉमन डिफरेंस ही अगर नहीं आया सेम, ठीक है ना, अगर इक्वल नहीं आया तो एपी नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन टोटल 15 क्वेश्चन है, दो दो करते जाएंगे। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। क्या है कि एक एक चेक करूंगा ना मैं, तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है ना, तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा, कम से कम तो आधे घंटा से ऊपर चली जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ टिक किया हूं। ठीक है ना, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है। ठीक है, ये एपी नहीं है, एपी नहीं, मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, तो पहले इन लोगों को चेक कर देता हूं कि एपी क्यों नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं। ठीक है, सेम नहीं आएगा मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है ना, इन लोगों को मैं पहले चेक कर देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों को पहले मैं हटा दूंगा तो बस मेरे को सोल्व करना रहेगा। ठीक है ना, ये वाला जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सोल्व तो सभी करना है 1 by 1। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले एपी नहीं है, ठीक है ना, मेरे को पता है, मैं एनसीईआरटी में पीछे आंसर था उसको देख लिया। ठीक है ना, और मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक चेक करूंगा ना तो आप कंफ्यूज होंगे कौन एपी है कौन नहीं है। ठीक है ना, इकट्ठा 6 तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पास एपी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, समय को बचत करने के लिए मैं टिक कर लिया हूं और पहले मैं इन्हीं को सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 15 तक करेंगे जो कि एपी है, और उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे और उसका आगे का जो तीन टर्म है वो भी फाइंड करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है 2, 4, 8, 16, ... तो मैं पहले बोला कि आप चेक कीजिए a2 - a1, ठीक है ना, उसके बाद a3 - a2, ठीक है ना, उसके बाद a4 - a3, ये तीनों आपको चेक करना पड़ेगा। a1 इसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहां से शुरू हुआ है ना, 2 से शुरू हुआ है ना, तो जहां से शुरू हुआ ना उसको a1 ले लीजिए, ये पहला टर्म है इसको a1 ले लीजिए, ये दूसरा टर्म है a2 ले लीजिए, तीसरा टर्म है a3 ले लीजिए, ये चौथा टर्म है a4 ले लीजिए, उसके बाद डॉट डॉट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ले लेना है। तो a2 - a1 करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, उसके बाद a3 - a2 करेंगे, ठीक है ना, सेकेंड नंबर में, तो 8 - हम करेंगे 4 आ जाएगा हमारा, 8 - 4 = 4 ही आएगा। ठीक है ना, उसके बाद 16 - 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं, हियर जो हमारा डी है या फिर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। ठीक है ना, तो जब सेम नहीं है इसका मतलब क्या, ये एपी नहीं है। ठीक है ना, एपी में क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये जो डी का वैल्यू है ना, ये हम क्या निकाले हैं, डी निकाले हैं। ठीक है ना, टोटल 4 टर्म दिया है। ठीक है ना, a1 a2
ए थ्री ए फोर, ठीक है ना। तो ये हमको सभी में चेक करना पड़ेगा, केवल ए टू माइनस ए वन निकाल के हम छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कम से कम तो दो स्टेप आप कीजिए ही कीजिए, मिनिमम दो स्टेप, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो आप तीनों स्टेप कीजिए, ठीक है ना। तीनों स्टेप कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि सही है कि नहीं सही, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर, इसमें क्या था कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, ठीक है ना, इसलिए इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी तो आगे का तीन टर्म बता पाएंगे, बता तो देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आप देख सकते हैं है क्या कि टू के, देखिए इसमें जो टू का टेबल है ना, जैसे टू का स्क्वायर क्या हुआ, फोर हुआ, ठीक है ना। फिर अब अच्छे समझिएगा, ये थोड़ा क्या है कि रीजनिंग टाइप है, ठीक है ना। इसमें टू ऐड किया तो फोर हुआ, फिर इसमें फोर ऐड किया तो क्या हुआ, एट हुआ, फिर इसमें एट ऐड किया तो सिक्सटीन हुआ, ठीक है ना। फिर सिक्सटीन में फिर सिक्सटीन ऐड करेगा तो ट्वेंटी थर्टी टू होगा, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग बेस पर हो जाएगा। तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रीजनिंग नहीं बताना है, उसमें बस बताना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। इसका आगे का तीन टर्म बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें टू ऐड किया तो फोर हुआ, इसमें फोर ऐड किया तो एट हुआ, इसमें एट ऐड किया है तो सिक्सटीन हुआ। आगे क्या बनेगा, 16 में 16 ऐड कर देंगे तो 32 होगा, फिर 32 में 32 ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको नहीं बताना है, एपी है तभी बताना, तो ये एपी है नहीं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन खत्म यहीं पर। अब आगे करते हैं सिक्स नंबर को, यहाँ पास मैं सेकंड नंबर लिखता हूँ, इसको सिक्स नंबर कर देता हूँ। ये जो मैं टिक किया ना उन्हीं को पहले कर रहा हूँ, क्योंकि ये एपी है नहीं, ठीक है ना। मैं यहाँ पास चेक कर देता हूँ, ठीक है ना, एपी तो है नहीं, ठीक। वो क्या है, 0.2 है, 0.22, 0.22, ठीक है ना। अब इसमें ए वन तो ये है, ए टू ये है, ठीक है ना। यहाँ पास जो ए वन है ये है, ए टू हमारा ये है, ए थ्री ए फोर, ठीक, ये है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, ए वन 0.2 और 0.22 ए टू है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है ना। डी निकालने के लिए सबसे पहले ए टू माइनस ए वन करेंगे हम, ठीक है ना। एक और डी निकालेंगे, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे, ठीक है ना। अब माइनस करते हैं, वो है 0.22 माइनस 0.2, ठीक है ना। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.02, ठीक है ना, 0.02 आएगा, ठीक है ना। माइनस कर लीजिएगा, क्या है कि 0.2 है तो 0.20 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है, तो 20 में आप, और 22 में 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ये है 0.22, 0.22, तो यहां पास हो जाएगा 0.002, है ना। 222 में 220 माइनस करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, लेकिन इस प्रकार से बचेगा, ठीक है ना। पॉइंट आगे बढ़ते हैं, 0.2222 माइनस 0.222 करते हैं, बचेगा 0.0002, ठीक है ना, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी का वैल्यू है, ठीक है ना, जो डी है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, बस चेक कर रहा था कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है कि कभी कभी फ्रेम कट जाता है। तो हम यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो जो ये प्रोसेस हमने लिखा ना कि हेंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी, तो यही चीज आपको फिर नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये चीज नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज नॉट एपी। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है इसीलिए एपी नहीं है, ठीक है ना। एपी
आगे बढ़ते हैं, नीचे लिख दूं, चलिए कुछ लाइन नीचे लिख देता हूं फिर यहां पास लिख देंगे, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वो है 1, 3, 9, 27, ... तो यहां पास ए वन हमारा ये है, ए टू ये है, ए थ्री ये है, ए फोर ये है, ठीक है ना। तो यहां पास डी निकालते हैं, डी इक्वल टू, डी इक्वल टू है हमारा ए टू माइनस ए वन होगा, तो मैं डायरेक्ट डी निकाल देता हूं ना। अब ए टू माइनस ए वन आप तो समझ चुके होंगे, ठीक है ना, क्या कर रहा हूं मैं, तो माइनस करता हूं तो यहां पास हो जाएगा 2, फिर एक और हमारा डी आएगा 9 - 3 = 6, फिर एक और डी आएगा हमारा 27 - 9 = 18। तो यहां पास आप देख सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो डी आया है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। देखिए ए टू हमारा ये 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आएगा, 27 - 9 करेंगे 18 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस पूरा लिख दीजिएगा, डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी, सेम नहीं है इसलिए ये एपी भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर ये वाला बचा है ना, हाँ ये वाला बचा है, क्वेश्चन नंबर 11 बचा है। ये ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू माइनस ए फोर कॉमा ... ये आपका ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर, ठीक। चलिए अब भी निकालते हैं, डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा हमारा, ठीक। माइनस तो होगा नहीं, लेबरा ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो माइनस तो कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ अगर सेम पावर होता है, भले कोएफिशिएंट डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो एक बार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास यही होगा हमारा डी, फिर एक और डी निकालते हैं, वो हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, एक और डी निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, ए फोर माइनस ए थ्री। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। हियर डी कॉमन डिफरेंस को मैं डी लिख दूं, ठीक है ना, आर नॉट इक्वल या सेम, बात देखिए, ठीक है ना, इक्वल, सो दिस इज नॉट ए बी, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ ए पी है, ए पी, ठीक है ना भाई, लाइट मत काटना यार, ठीक। चेक कर लेता हूँ कैमरा क्यों, हाँ प्रॉपर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एपी नहीं है ना, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल तो है ही नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9, √12, ... अब ए वन ये है, ए टू ये है, ए थ्री ये है, ए फोर ये है, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए टू माइनस ये, ठीक है ना, तो √6 - √3 सॉल्व हो सकता है क्या, हमको तो नहीं लगता है सॉल्व हो सकता, मल्टीप्लाई होता तो हम कर भी देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पास मल्टीप्लाई होता ना तो 6 = 18 हो जाता, और 18 को हम ब्रेक कर देते 3 √2 में, ठीक है ना, यहाँ पास नहीं माइनस हो सकता है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा √9 है, ठीक है ना। तो √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 - √6, ठीक है। जो टर्म लग रहा है, ठीक है ना, कि वो सॉल्व हो सकता है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना।
यहाँ पास हो जाएगा 3 - √6। एक और डी निकालते हैं, हो जाएगा अब 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आप 4 दे दीजिए 12, ठीक है ना, -3। सोल्व करके लिख रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं, यहाँ पास ये हो जाएगा। यहाँ पास भी आप देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कि इक्वल नहीं है, ठीक है ना, डी आर नॉट सेम सो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट एपी या फॉर्म ऑफ एपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है ना, हाँ यार 13 है, ठीक है ना, 12 लिख दिया था, 13 खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 1² (3² (5² (7² )...... ठीक है ना, तो डी निकालते हैं, डी इक्वल टू 3² - 1² ठीक, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 1 = 8 हो जाएगा आपका, डी इक्वल टू अगला आ जाएगा 5² - 3² 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 9, तो 25 - 9 = 16 हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, होना तो यही चाहिए, डी इक्वल टू 7² - 5² तो इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 25, तो 24 होगा। ठीक, अब यहां पास भी आप देख सकते हैं डी का जो वैल्यू है 8, 16, 24 ये सेम नहीं है, ठीक है ना, डी आर नॉट इक्वल सो दिस इज नॉट एपी, यहां पास डी इक्वल है इसलिए एपी नहीं है। अब यहां पास आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर दिया, इसको भी इसको, अब टोटल बचा है 9 क्वेश्चन और, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब समस्या ये है कि मिटेगा नहीं, ठीक है ना, कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि भूल पानी नहीं लाया ना, पानी लाना भूल गया, आप कैमरा शायद खोल दिया, कोशिश कर रहा, स्क्रीन शॉट उसका भी ले लीजिएगा, शायद एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे तो सभी आ गया होगा। आप लोग वीडियो स्किप कर दीजिएगा एक आध दो मिनट, बहुत लोग तो कर भी दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वो है 2, (5/2), (3), (7/2), ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले डी इक्वल टू और 5/2 माइनस करेंगे 2 में, इतना तो आपसे बन चुका ही होगा कि (a2 - a1) करना है पहले, फिर (a3 - a2) करना है, फिर (a4 - a3) करना है, ठीक, तो इसमें माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 5/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 में जब आप 2 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक,
एक और डी चेक कर लेते हैं, यहाँ पास मिनिमम आप दो डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मतलब डिफरेंस मतलब क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो आप मिनिमम दो, जो पहले किया था उसमें तीनों में चेक किया था, ठीक है ना। मिनिमम आप दो ठो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा उम्मीद है, आप मेरा अंदाजा है कि आप पूरा कीजिए, ठीक है ना। तीन ठो पूरा चेक करते चले ताकि कहीं भी समस्या ना रहे, ठीक है ना। थ्री माइनस फाइव अपॉन टू, अब ये थ्री है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5, तो थ्री में 2.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अगला हो जाएगा हमारा 7/2 कॉमा माइनस थ्री, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.5 और माइनस थ्री तो 0.5, तो 0.5 को आप 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा नहीं, आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस इज एपी, नाउ वी आर फाइंड आगे का जो भी तीन टर्म है वो, ठीक है ना। अब आगे का तीन टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है ना। मतलब सिक्स इसके बाद क्या होगा ना, 7/2 के बाद क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्या है, क्या कीजिए, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये फोर है, ठीक है ना। तो ए फाइव आपको फाइंड करना है ना, फिर ए सिक्स फाइंड करना है और ए सेवन फाइंड करना है, ठीक है ना। सभी में आपको यही फाइंड करना है, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ फाइंड करना नहीं है, ठीक है ना। तो ए फाइव में आप क्या कीजिए, अच्छे समझिएगा कि सबसे पहले ए फोर लीजिए, आप प्लस कर दीजिए जो कॉमन डिफरेंस है, तो आपका ए फाइव निकल जाएगा, या फिर ए प्लस फोर डी कर दीजिए, ठीक है ना, तो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। दो तरीका है, तो ये तरीका मेरे को और आसान लगा, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो तरीका है, क्या कीजिए, जो पिछला वाला टर्म है ना उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, ठीक है ना। तो ए फाइव का पिछला वाला टर्म क्या है, ए फोर है, ए फोर ये है, तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है तो ए फाइव मिल जाएगा। ए सिक्स का पिछला वाला टर्म क्या है, ए फाइव है, तो ए फाइव में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो आपका ए सिक्स मिल जाएगा। ए सेवन का पिछला वाला टर्म क्या है, ए सिक्स है, तो ए सिक्स में आप क्या कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो ए सेवन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए फोर आपको क्या है, 7/2, 7/2 में जब आप 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 होगा। 8/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8/2, या फिर इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8/2 को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, 7/2 में जब आप 1/2 को ऐड करेंगे तो 8/2 ही आएगा, ठीक, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 में आओ, ए फाइव का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना, ठीक। अब 4 में आप डी ऐड कीजिए, मतलब 1/2 ऐड कीजिए, तो 4 में जब आप 1/2 ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 1/2 का वैल्यू क्या आता है, 0.5, ठीक है ना। तो 4.5 को आप 9/2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 4+1/2 आप करेंगे ना तो 9/2 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ए सेवन के लिए ए जो सिक्स आया है, मतलब 9/2, इसमें आप 1/2 ऐड कीजिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो इसमें 1/2 ऐड करेंगे ना तो 10/2 होगा, 10/2 को आप 5 भी लिख सकते हैं, तो आपका जो टर्म बना 4, 9/2 और 5 बना, ठीक है ना। 8/2 भी लिख सकते हैं, 9/2 भी लिख सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, ठीक। जहां पास सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, लग रहा है कि नहीं ये सीधे सीधे कट जा रहा है तो इसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। 4, 9/2, 5, ठीक है ना। ये आपका तीनों एपी हो गया ना, 4 आप पास एपी लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस तो आपको मिल गया, ठीक है ना। पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 9/2 और तीसरा हो गया आपका 5, ठीक है ना, ये आपका हो गया। आगे बढ़ता हूं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, वो है 1/2 माइनस में है ना, फिर -3/2 -5/2 फिर -7/7.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 3 -3.2 में जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 + 1.2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो केवल 2 ही आएगा। एक मिनट, साइन बड़ा है तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको ये फिर सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये क्या है कि सबसे पहले -3/2 आएगा, ठीक,
फिर माइनस आएगा ये वाला, अब इसको लिखेंगे फिर माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो बड़ा वाला साइन है ना, मतलब बड़ा टर्म ये है तो माइनस साइन लगे करेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 3.2 में 1.2 को जब आप घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो -2 बच जाएगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं डी, इसमें इसको घटाएंगे ना तो 2 ही आएगा, साइन बिगर नंबर का मतलब -2 आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे -7.2 में जब माइनस करेंगे -5.2 को तो -2 आएगा, ठीक है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका -2 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ईपी निकाल देते हैं, मतलब P5 A6 और A7। तो मैं बताया था A5 के लिए आपको क्या कीजिए कि जो पिछला टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो A5 का पिछला टर्म ये वाला है, A4 है, तो इसमें जब आप ऐड करेंगे -7.2 प्लस माइनस टू, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7.2 और -2 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -9.2, ठीक है ना। अब -9.2 में फिर माइनस ऐड कीजिए हो जाएगा -11.2, फिर -11.2 में आप -2 ऐड करेंगे तो -13.2 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। वीडियो लग रहा है काफी लंबा हो जाएगा, आप क्या कीजिए कि वीडियो में ना एक होता है स्पीड, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा लीजिए आप, ठीक है ना, मेरे हिसाब से 1.5x में कर लीजिए या फिर 2x में कर लीजिए, ठीक है ना, 2x ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा था ना, एक दो अगर आता तो सॉल्व जल्दी कर देते हैं, 15 क्वेश्चन है, मजाक थोड़ी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ये -10, -6, -2, फिर +2 .. इसमें तो एक काम करता हूं मैं, फिर अब कॉमन डिफरेंस तो आपसे निकालते बन गया है कि कैसे निकालना है, तो मैं बस कॉमन डिफरेंस के लिए थोड़ा समय ये कर देता हूँ, बस एक ही स्टेप कर देता हूँ, D=A2 - A1, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे को पता है कि जो क्वेश्चन आगे मेरे को करना है, ठीक है ना, 2 से लेके 15 तक, ठीक है ना, जिसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा और ये एपी है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं बस क्या कर देता हूँ, अगर आपको करना होगा ना तो आप पूरा कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत बच्चे भाग चुके होंगे, मेरे को अभी से पता चल गया है, ठीक है ना, तो A2 - A1 बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कॉमन डिफरेंस निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का 3 टर्म बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, निकालेंगे डी, अब तीनों स्टेप निकालेंगे ना, तीनों डी निकालेंगे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ जल्दी से क्वेश्चन को निपटाने के लिए, कॉमन डिफरेंस बस A2 - A1 एक फॉर्मेलिटी के लिए कर देता हूँ, ठीक है ना, तो D = क्या आ जाएगा, -6 - -(-) + हो जाएगा, तो D = -6 + 10, डी का वैल्यू आ जाएगा 4, मतलब डी आपका आ गया +4, ठीक है ना। अब A5 निकाल देते हैं, A6 निकाल देते हैं और A7 निकाल देते हैं, ये तीनों टर्म है, ठीक, तो A5 में 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक ना, तो आपका जो तीनों टर्म है वो हो जाएगा 6, 10, 14, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप डी ना आप तीनों निकाल सकते हैं, A3 - A2 भी करके, A4 - A3 भी करके, ठीक है, तो मैं ज्यादा समय न लगाते हुए थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, अब आपसे बन चुका होगा, ठीक है ना, आधे घंटे से आप अगर वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आपके जहन में ये चीज पता हो गया होगा, मतलब मालूम चल गया होगा कि कैसे करना है, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा थ्री, कोमा थ्री प्लस टू टू, कोमा थ्री प्लस टू रूट टू, कोमा थ्री प्लस थ्री रूट टू, डॉट डॉट है। तो इसमें डी निकाल देता हूं मैं, ए टू माइनस ए वन करके। ठीक है, देखिए आप रूट देख के मत घबराइएगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट से मतलब नहीं है, ठीक है ना, रूट वैसे पड़े के पड़े रह जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ए टू क्या है, थ्री प्लस रूट टू, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, ठीक। और यहाँ पास क्या है, माइनस थ्री, ये माइनस थ्री और ये जो प्लस थ्री है वो खत्म, डी आपका हो जाएगा रूट टू, ठीक है ना, रूट टू होगा, ठीक है ना। एक और कर देता हूँ, डी इक्वल टू जैसे ए थ्री माइनस ए टू कर देता हूँ, थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री, फिर माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री माइनस रूट टू हो जाएगा, तो ये खत्म, ठीक है ना। डी इक्वल टू क्या आएगा, टू रूट टू में माइनस रूट टू करेंगे ना तो रूट टू ही आएगा, ठीक है ना। टू रूट टू और माइनस रूट टू को जब आप सॉल्व करेंगे, दो रूट टू है, ठीक है ना, मतलब एक बार रूट टू है एक बार और रूट टू है, ठीक है ना, टोटल दो रूट टू है। इसमें एक माइनस कर दिए तो एक माइनस कर दिए तो बचा क्या, सिंगल रूट टू, ठीक वही है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है ना। अब आगे का तीन बता देता हूँ, ए फाइव इक्वल टू, ए फाइव क्या हो जाएगा, इसमें आप ऐड कर दीजिए रूट टू, तो इसमें आप करेंगे ना थ्री प्लस फोर रूट टू हो जाएगा, क्योंकि थ्री रूट टू प्लस रूट टू को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो फोर रूट टू हो जाएगा। ये सिक्स बता देता हूं, ये सिक्स, ये सिक्स इसमें रूट टू को ऐड करूंगा तो थ्री प्लस फाइव रूट टू हो जाएगी ना, इसमें रूट टू ऐड करूंगा तो, ये सेवन इसमें ऐड करूंगा रूट टू तो हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू, ठीक। ए फाइव ए सिक्स ए सेवन खत्म, आगे बढ़ते हैं, ये वाला खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कहा यार वो तो ऐसा लगे रहा है, वीडियो लगा रहा है कि एक घंटा पहुंचा ही जाएगा, ठीक है ना। खैर घबराने कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व कर देते हैं। वो है जीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व है ना, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पास मैं सिंगल बस निकाल देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, डी इक्वल टू माइनस फोर और माइनस जीरो को जब आप सॉल्व करेंगे, अच्छे समझिएगा, माइनस फोर और माइनस जीरो सॉल्व करते हैं तो माइनस फोर माइनस जीरो, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि माइनस फोर ही आएगा डी। माइनस एट माइनस फोर माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, हाँ सही आएगा, ठीक है ना। माइनस एट में जब फोर को माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये तो साइन खत्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस फोर ही आएगा, मतलब सही किए। अब ये फाइव निकाल देते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, खत्म मामला, ए फाइव ए सिक्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इसका वाला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको झंझट नहीं मैं पालूंगा, वो एक क्वेश्चन पर लिख देता हूं, माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू डॉट डॉट डॉट, चेक कर लेता हूं, ये नहीं कि मैं यहाँ पास पढ़ा दू और वो कैमरा बंद हो गया होगा, ठीक है ना, चेक करना पड़ता है। तो जिसका भी कॉमन डिफरेंस सेम मिले आपको, ठीक है ना, यहाँ पास जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो आएगा, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, ए टू माइनस ए वन करेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू खत्म हो जाएगा तो जीरो आएगा। कहीं पास भी आपको कॉमन डिफरेंस जीरो मिले तो उसका पहला टर्म से लेकर और आखिरी जो टर्म होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना, मतलब जिसका ए फाइव है या फिर ए सिक्स है, ए फाइव
ये सिक्स या फिर ये सेवन वो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये टर्म है, फोर टर्म है, इसमें जीरो ऐड करेंगे वही आएगा, इसमें आप जीरो ऐड करेंगे ये आएगा, जीरो ऐड करेंगे माइनस वन बाई टू ही आएगा, ठीक है। तो हिंट या ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ, जिसका कॉमन डिफरेंस अगर जीरो हो, ठीक है ना, तो उसका जो एपी होता है वो इक्वल ही होता है पहले टर्म से लेके आखिरी टर्म तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक हमने निपटा दिया है लग रहा है कि, और बचा है एक दो तीन ठो बचा है, जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है ना, घबराइए मत, बने रहिए। और हाँ, अगर आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वैसे मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूँ सब, क्योंकि कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो जाए, फोकस मिटे नहीं रहा है तेरा, क्योंकि पानी आज मैं लाया ही नहीं, इसको पानी से भिगो देता हूँ तो जल्दी साफ हो जाता है। अब तीन ठो बचा है, इसको भी जल्दी से करके सॉल्व कर देते हैं। एक थोड़ा है ना दुखा देखने के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ए कोमा टू ए कोमा थ्री ए कोमा फोर ए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ गया डॉट 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 डॉट, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, टू माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो ए आएगा, थ्री माइनस टू ए को सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा, फिर फोर माइनस थ्री ए को सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस ए ही आएगा, ठीक है ना। अब ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन निकाल देते हैं, तो फोर प्लस ए फाइव ए, फाइव ए प्लस ए सिक्स ए सेवन ए, ठीक, ये आपका हो जाएगा, मतलब जो आपका 10 नंबर था क्वेश्चन वो भी खत्म। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 हमारा, रूट टू कोबा रूट एट कोबा रूट एट एट कोमा रूट थर्टी टू। तो सबसे पहले आपको ये चीज बताता हूं, रूट एट को आप टू रूट टू भी लिख सकते हैं, रूट एटीन को आप थ्री रूट टू भी लिख सकते हैं, रूट थर्टी टू को आप फोर रूट टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रही अंदर की बात, ठीक है ना, क्योंकि इसको जब आप 18 को फैक्टर करेंगे तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री आएगा, तो थ्री का पेयर बाहर आ जाएगा, टू का पेयर बना नहीं इसलिए अंदर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, तो 18 इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टू रूट टू माइनस रूट टू करेंगे तो रूट टू आएगा, ठीक। फिर रूट एटीन को आप ऐसे भी सकते हैं, तो थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू को जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट टू ही आएगा, फिर फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू करेंगे तो रूट टू ही आएगा, मतलब डी आपको इक्वल आ गया, ठीक है। तो ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन, अब देखिए इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, फाइव रूट टू सिक्स रूट टू सेवन रूट टू। अब इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप 20 अंडर रूट 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू टू 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप 36 दूनी 72 अंडर रूट 72 लिख सकते हैं, 49 दूनी कितना होगा 98 होगा का, और 98 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है, कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काटेगा,
मैथ में मार्क्स कहाँ कटता है? कहाँ? देखिए आप जो डाटा दिया है ना, अच्छे समझिएगा, वो आंसर से मैच भले ना करे, ठीक है ना, लेकिन उसको सॉल्व अगर किया जाए तो आंसर के इक्वल आना चाहिए, या फिर उसका जो मीनिंग है वो आंसर के मीनिंग के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका और इसका जो मीनिंग है, ठीक है ना, रूट 50 को आप अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है, तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बात देखिए, ठीक है ना। कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, वो नौसिखिया टीचर होगा तो काट देगा, ठीक है ना। जो पहले पहली बार टीचर बना होगा वो काट देगा, ठीक है ना, उसको एक्सपीरियंस ना होगा ना। जैसा हम लोग को जो टीचर पढ़ाए हैं, भले मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ने वाला, वो ये चेक करते हैं कि बच्चा कॉमन डिफरेंस निकाला है कि नहीं निकाला है, कितने 300 निकाल दिया, अरे वाह गजब, मतलब पूरा चेक किया है, मतलब हमारा जो माइंड में, मतलब हमारे जो टीचर थे उनके माइंड में बढ़ गया कि नहीं तीनों चेक किया, मतलब लास्ट वाला आंसर मतलब ये लिखिए या फिर ये लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, मतलब फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है, वो यहां तक चेक करते थे पहले। लेकिन मैथ में क्या होता है कि स्टेप वाइज मार्क मिलता है, ठीक है ना, आप कितने स्टेप में सॉल्व किए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डी डी जो है ना, मैं तीनों बार निकाला हूँ, तीनों बार चेक करके दिखाया हूँ, टीचर को ये लगेगा कि नहीं ये जो बच्चा है ये स्टेप 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 मतलब पूरे स्टेप में सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आखिरी के एक आध स्टेप भले उस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे चाहे ना लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शुरुआत से जो किया है वो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन वो लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपको यहीं पास हमने दिखा दी, ठीक है। अब देखिए जैसे अंडर 18 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसको इस फॉर्म में, तो ये भी कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है, ठीक है ना। नहीं ये बंदा अच्छे तरीके से सॉल्व कर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो मार्क्स फुल मिलना है, ठीक है। हमको फुल ही मार्क्स मिलता था, लग रहा है कि इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब एक थो बचा है, इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 माइनस 1 24, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 24, टी इक्वल टू 73 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल। अब 7 के स्क्वायर को आप 49 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 24 ही आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो तो इक्वल आ गया। अब निकाल देते हैं ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है ना। तो 24 पहले इसमें ऐड करेंगे तो 7, 9, 97 आएगा, फिर इसमें 24 ऐड करेंगे 121 आएगा, इसमें ऐड करेंगे 145 है ना, 145, ठीक है ना। तो ये आपका तीनों टर्म हो जाएगा, ठीक। तो खत्म हो गया, थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा चल रहा है, लग रहा है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, 44 मिनट वीडियो लग गया, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। लगभग हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप अभी तक रुके हैं, ठीक है ना, बहुत लोग तो भाग भी गए होंगे, एक आध तो समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम आखिर तक रुके हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पास डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और आखिरी अगर आपने आखिरी तक समय दिया है तो आपको कहीं डाउट तो बचेगा ही नहीं, और बीच में से देख रहे होंगे तो हल्का फुल्का डाउट आ गया होगा, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई हम जरूर देंगे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।